आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपना पीएफ अकाउंट में अपना डिटेल्स में करेक्शन कराया है, लाइक अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर या नेशनलिटी या आपकी फादर नेम या मदर नेम, आपकी पीएफ अकाउंट में आपने कोई भी चीज़ करेक्शन कराया है और आप ऑनलाइन अपना स्टेटस को जान सकते हैं। आपका स्टेटस को आप किस तरीके से जान सकते हैं, आज की इस वीडियो में इसी का कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो इसके लिए आपको ईपीएफ पोर्टल पर आपको उस पीएफ अकाउंट से लॉगिन कर लेना है जिस पीएफ अकाउंट में आपने करेक्शन करवाया है। लॉगिन करने के बाद आपको इंटरफेस कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मैनेज, यहाँ पर मैनेज ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। इंटरफेस आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मेंबर आईडी देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको गेट डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो नीचे आपको सेलेक्ट डाउन करना है, बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अपडेट डिटेल्स पेंडिंग रिक्वेस्ट। तो आपका जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर आपको पेंडिंग सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाएगा, ये आपका रेफरेंस नंबर है। और दूसरा यहाँ पर आपको एस्टैब्लिशमेंट आईडी यानी आपकी कंपनी नेम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आप क्या चीज़ चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट किया है। और यहाँ पर आपको अवेलेबल डिटेल्स में यहाँ पर आपको जब तक अपडेट या चेंज अप्रूव नहीं होगा आपकी कंपनी की तरफ से तब तक यहाँ पर आपको नॉट अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट कोई भी अगर आप अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर आपको व्यू ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं। इस पीएफ अकाउंट में जो है नेशनलिटी को चेंज किया है, तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए था नेशनलिटी को चेंज करने के लिए, तो यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। फादर नेम, नेम, डेट ऑफ बर्थ को आप चेंज करते हैं तो उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर व्यू डिटेल्स में जाकर के आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और कौन सा डेट पे आपने रिक्वेस्ट सबमिट किया है यहाँ पर आपको डेट देखने को मिल जाएगा रिक्वेस्ट डेट के नीचे। और यहाँ पर आपको प्रेजेंट स्टेटस में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पेंडिंग एट इम्प्लॉयर, तो यहाँ पर आपकी इम्प्लॉयर के पास अभी पेंडिंग में है। और एक्शन बटन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर डिलीट का आइकॉन देखने को मिल रहा है, तो आपका रिक्वेस्ट को आप डिलीट भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपना कोई भी डिटेल्स करेक्शन करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट किया है तो इस तरीके से आप स्टेटस को देख सकते हैं या ट्रैक कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस है आप स्टेटस को चेक करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाया हूँ। आई होप जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक अपडेट के साथ।